हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ूरोलॉजी में। दिवाली आ रही है, आपने दिवाली के इस त्यौहार में हर जगह लगी वस्तुओं पर कभी गौर किया है? आपको ज़्यादातर चीज़ों की प्राइस 99, 499, 599 और 999 ही दिखाई देगी। उदाहरण देके बात करें तो कोई फ़ोन लेना है तो प्राइस 13,999, कपड़े लेने हैं तो टैग पर 1,999 ही लिखा होता है। आजकल तो रिचार्ज भी 59, 99, 399 का मिलता है। प्राइस के लास्ट डिजिट 9 से ही एंड होते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसे क्यों होता है? एक्चुअली ऐसे प्राइसिंग को साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहते हैं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मतलब मटेरियल की प्राइस राउंड फिगर से कम होना। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बनाती है। लोगों को हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ने की आदत होती है। इस वजह से 80-90% लोग 9,999 को 9,000 की प्राइस मान लेते हैं, जहां उसकी प्राइस राउंड फिगर होते ही 10,000 हो जाएगी। इस तरह सेलर 1 रुपये दाम कम रखकर कस्टमर के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करता है। क्या आप जानते हो, जो हम 1 रुपया सेलर के पास छोड़ देते हैं उससे सेलर लाखों रुपये कमाते हैं। उदाहरण देकर बात करें तो किसी कंपनी के 200 रिटेल आउटलेट हैं जहाँ पर 100 कस्टमर 1 रुपये वापस नहीं लेते तो 365 दिन के 70 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, जिसका कोई प्रूफ नहीं, कोई बिल नहीं और ना ही कोई जिम्मेदार। इस तरह लोगों का 1 रुपये वापस न लेना देश में ब्लैक मनी पैदा कर रहा है। देश में ब्लैक मनी को रोकने के लिए हमें 1 रुपये वापस लेना जरूरी है। 1 रुपये लोगों का हक है, उसे बड़ी बड़ी शॉप्स और मॉल में से ही वापस लेने में कोई झिझक ना करे। अगर सेलर और कस्टमर के पास खुले पैसे नहीं है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें और डिजिटल इंडिया में अपना सहयोग दें, क्योंकि 1 रुपये भी बड़ी चीज़ होती है। सो फ्रेंड्स, आपको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की इन्फॉर्मेशन कैसे लगी ये हमें कमेंट कर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और एट दी एंड, वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।